निवेश बढ़ाने के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जाएंगे जापान। बड़ी खबर इस वक्त की, विदेशी इन्वेस्टरों को उत्तराखंड में उद्योग लगाने के लिए न्योता देंगे जापान में, कई सेमिनार्स का वो हिस्सा भी बनेंगे। जापान के बड़े उद्योगपतियों से करेंगे बातचीत। उत्तराखंड में अप्रैल महीने में होने वाला है वेलनेस समिट। सुबोध उनियाल जापान के बड़े उद्योगपतियों से बातचीत करेंगे उत्तराखंड में अप्रैल महीने में होने वाले वेलनेस समिट से पहले। उत्तराखंड सरकार की ये तैयारियां नजर आ रही हैं निवेश बढ़ाने के मकसद से। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जापान का रुख करने वाले हैं, विदेशी इन्वेस्टर्स को लुभाएंगे उत्तराखंड में, निवेश हो, ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, इसको लेकर बातचीत करेंगे। तो जापान के कई बड़े उद्योगपतियों से बातचीत हो सकती है। अब देखना यह है कि वेलनेस समिट से पहले किस तरीके की तैयारियां। अजीत काम्बोज इस वक्त हमारे साथ संवाददाता हमारे। अजीत, ये बताइए कि सुबोध उनियाल जो हैं जापान जा रहे हैं, उद्योगपतियों से बातचीत होगी, क्या कुछ फ्रेम उन्होंने सेट किया है, क्या उनके एजेंडे में होगा? बिल्कुल, जिस तरह से सुबोध उनियाल ने खुद अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी है कि वो अपनी टीम के साथ जापान रवाना हो रहे हैं, और जिस तरह से वेलनेस समिट को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम उत्तराखंड में आयोजित होने जा रहा है, तो उसकी तैयारियां जोरों पर हैं। पहले मुख्यमंत्री रावत को रवाना होना था, लेकिन दिल्ली चुनावी प्रचार में व्यस्त होने के चलते अब सुबोध उनियाल जापान रवाना हो रहे हैं। उनके साथ मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों की एक बड़ी टीम जाएगी, जिसमें रोड शो होगा जापान में, तमाम जो जापान के बड़े उद्योगपति हैं उनके साथ वन टू वन टॉक होगी, वार्ता होगी कि कैसे वो उत्तराखंड में आकर निवेश कर सकते हैं। बड़ा प्रोग्राम है, बड़ा आयोजन उत्तराखंड सरकार की तरफ से हो रहा है, और जिस तरह से हमने देखा कि पिछले साल इंटर इन्वेस्टर समिट का एक आयोजन किया गया था उत्तराखंड में, लगभग 1,00,000 करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी उत्तराखंड में। अब दोबारा से सरकार सक्रिय हुई है और वेलनेस समिट के माध्यम से यहाँ पर एक बड़ा आयोजन करने की तैयारी है। संभवतः अप्रैल माह में उसकी तारीख फाइनल करेगी उत्तराखंड सरकार की। अप्रैल माह में एक वेलनेस समिट उत्तराखंड में आयोजित होगी, स्थान कौन सा होगा इसका चयन होना भी बाकी है, जिसको लेकर पूरी जिम्मेदारियां मंत्रियों को बांट दी गई हैं, और अधिकारी क्या कुछ कहते हैं इन चीजों को लेकर वो खुद टीम में शामिल रहेंगे। तो जो भी दिक्कत परेशानी है या क्या कुछ साझा होनी है जापान और उत्तराखंड के बीच में, किन किन सेक्टर में जापान की टीमें काम कर सकती हैं, उद्योगपति काम कर सकते हैं, तो तमाम इश्यूज को लेकर वार्ता होगी। जी जी, शुक्रिया अजीत कंबोज इस पूरी जानकारी के लिए आपको।